आपकी तरह है, बिल्कुल डेफिनेटली हम अगवा हो चुके हैं। मुझे मालूम है, जानती हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ एक इसी चीज की कमी थी जो कि आज हो गई हमारे साथ। हाय डेफने, हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे यार? मुझे पता है यशम, आ जाओ, आ जाओ। लेकिन मैं भी गिर गई, मगर हम जैसे गिरे हैं वैसे ही हम खड़े भी हो जाएंगे। हम लोग खड़े होंगे, हम खड़े होंगे, क्योंकि हमने आज तक जो कुछ बर्दाश्त किया है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आ जाओ। बिल्कुल, ये क्या चीज है मेरी जान, ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो पता नहीं क्या क्या नहीं किया है। क्या वैसे अब तक किया क्या है हम लोगों ने? हाँ याद है, यहाँ वाले घर में तुफैल भाई ने हमें पकड़ लिया था, लेकिन हमने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया। हे हे, ये तो तुफैल भाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं। डेफने, खड़ी हो जाओ, चलो हम जा रहे हैं यहाँ से, चलो खड़ी हो। हाँ चलो चलो यार। हम नहीं जा सकते हैं ना वैसे यहाँ से, क्या तुम हार मान रही हो? तुम यशमरास हार मान रही है? ये कैसे हो सकता है यशमरास, हिम्मत हार रही है? नहीं भाई। हाँ, कौन? मैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मेरे बारे में बात कर रही हो? हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। जरूर निकलेंगे, हम जरूर निकलेंगे यशम, यानी तुम कर सकती हो। आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शायद हम ना निकले। ठीक है, शायद हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अब तक ऐसा क्या है जो कि हम नहीं कर सके हो? हाँ, बोल तो तुम ठीक रही हो, क्योंकि तुमने मेरे पत्थर दिल भाई को अपना आशिक बना लिया है। और तुमने भी मेरे हर वक्त कारोबार में खोए हुए भाई को नई जिंदगी दी है डेफने। बिल्कुल सही कहा तुमने। आई, जोर लगाओ यशम। तुम भी जोर लगाओ डेफने। चलो। एक बार फिर हम कर सकते हैं ना यार। दरअसल हम अपने हदफ के करीब नहीं है, लेकिन यार करीब कैसे हो सकते हैं? जहां हम दोनों पहले थे वहां से पूरे 12 सेंटीमीटर और पीछे चले गए हैं। ठीक है, हम फिर से कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे। रात जब बहुत गहरी हो जाती है तो समझ लो कि सुबह बहुत करीब है डेफने। चलो, सुबह हमारी मुंतजर है। जो ताकत हम दोनों को चाहिए वो ताकत असल में हमारे अंदर ही है। यार, हमने जब भी खड़े होने की कोशिश की है हम दोनों गिर ही गए हैं। मुझे तो लगता है कि यकीनन हमसे कोई ना कोई गलती हो रही है। हाँ, मतलब हमसे क्या भूल हो रही है यार? चलो सोचते हैं, लेकिन एक मसला है, मेरा सर इतनी दफा जमीन से टकराया है कि अब मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही हूँ। घटिया इंसान, शैतान हो तुम। देखो तो उस घटिया आदमी ने हमारा क्या हाल कर दिया है डेफने। अब मेरी तरफ मुड़ो, मैं सर से ला देती हूँ। इस तरफ। हाँ, इस तरफ। हाँ, ठीक है। आराम से। अरे हिलो तो नहीं, मुझे खोलने तो दो। हिलोगी तो खोलूंगा कैसे? देखा, खोल दिया। खाना तैयार है,
चलो वैसे करो कि खा लो। हाय हाय। ओह एक बात बता। हाँ तुम, अगर हमें खोलना ही था तो फिर तुमने बांधा क्यों था? इतनी दफा गिर चुके हैं कि हालत बुरी हो गई हमारी। डेफने, शैतान को गुस्सा मत दिलाओ, इसे मैं संभालती हूँ। अगवा करने वाले भाई, पहले तुमने हमें अगवा किया और फिर बांध कर इस अंधेरी जगह पर फेंक दिया हमें। ये सब क्यों किया तुमने? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? मेरा ख्याल है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है। ये सारे काम तो गंदे बच्चे करते हैं, मतलब अच्छी बात नहीं है ना? तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें हम दोनों को आजाद कर देना चाहिए। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अरे यार, इस शख्स से तो बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे इलाके का रहने वाला है, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और भाई हम दोनों को किडनैप करके यहाँ पर लेकर आ गया है। उसे कोई परवाह नहीं। माफ करना बहनों, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये ऐसा ही है। बहरहाल हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इब्लीस को और नहीं रोक सकता। एक मिनट रुको जरा। क्या कहा तुमने, किसे नहीं रोक सकते हो तुम? अपने आप को अपने अंदर नहीं रोक सकता। हमारे पास वक्त नहीं, इब्लीस बाहर आ जाएगा। उसके बाहर आने से पहले चलो कुछ खा लेते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसका मतलब ये एक अच्छा आदमी है जिसने बुरे आदमी को रोका हुआ है। हाँ, लेकिन ये क्या बात हुई यार, समझ में नहीं आ रहा। वो जिस आदमी ने हमें पकड़ा था वो अलग था क्या? यशिम, दरअसल उस आदमी का मसला मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। ड्यूअल पर्सनालिटीज है। हाँ? अरे यशिम यार, उसने जब हमें अगवा किया था तो बहुत ही गुस्से में था, और जैसे ही मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे बताया कि मैं उसी के इलाके की रहने वाली हूँ, तो अचानक जैसे उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा ही हो गया। उसके बाद उसने मुझे अपनी फैमिली का बताया, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया कि वो दोबारा गुस्से में आ गया। इसीलिए मैं समझ गई हूँ कि इस शख्स की ड्यूअल पर्सनालिटीज है। मेरी जान, ये जो शख्स है ना, साइको, ड्यूअल पर्सनालिटीज वाला साइको। क्या क्या मतलब है? पागलों वाला पागल, मतलब कि नॉर्मल वाला पागल है। बिल्कुल, देखो कुछ लोग नॉर्मल तो लगते हैं मगर इसकी तरह पागल होते हैं। तुम सुन रही हो ना लड़की, ये आदमी खतरनाक है, समझो कि बीमार है, क्योंकि इसकी दो पर्सनालिटीज हैं। इसका मतलब इस आदमी में दो आदमी मौजूद है एक वक्त में। हाँ, एक अच्छा और दूसरा बुरा। हाँ, हाँ तो ठीक है, अगर हम अच्छे वाले को मक्खन लगाएंगे तो वो हमें आजाद कर देगा। हो सकता है। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तो फिर चलो उससे पहले कि वो बुरा वाला आदमी बाहर आ जाए। हम आजाद होंगे, बिल्कुल आजाद होंगे हम। आ जाओ। बिल्कुल हम आजाद होंगे। ये चलो चलो डेफने। चलो यशम, डेफने का नसीब दोबारा जाग गया। ओ यस, क्योंकि हमें यहाँ जो शख्स अगवा करके लाया वो 50% अच्छा इंसान है, और इसलिए हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, हम कर सकते हैं, मुझे यकीन है हम बाहर निकलेंगे जरूर, और हमें फिर गाड़ी भी मिल जाएगी, है ना? हम कर सकते हैं, और अगर हमें गाड़ी नहीं मिली तो हम दोनों पैदल ही चल जाएंगे। चलो तो फिर चलना शुरू करते हैं। आ जाओ, हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता। पहले मैं ऊपर जाऊंगी। हाँ चलो ठीक है, चलो आ जाओ आराम से। हाँ आ जाओ।